आज मंत्रालय में हम लोगों ने आदरणीय मंत्री विक्रम उद्धव साहू जी से मुलाकात की और उनसे दो विषयों में चर्चा की गई। एक जो शहरी क्षेत्र में चलान की कार्रवाई की जा रही है, आदरणीय विकास उपाध्याय जी भी साथ में थे और हम लोगों ने मांग की मंत्री जी से कि जो शहरी क्षेत्र में हेलमेट के ऊपर कार्रवाई होती है उसको शिथिल की जाए और बाहरी क्षेत्रों में हेलमेट की चेकिंग यथावत जारी रहे। दूसरा मांग हमारी ये थी कि जो रायपुर दुर्ग मार्ग के ऊपर टोल नाका चालू है, उस टोल नाका की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो समाप्त होने के बाद अगर सरकार उस टोल प्लाजा को चलाती है तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उस टोल नाका को बंद किया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश द्विवेदी के नेतृत्व में हम लोगों ने मुलाकात की, जिसमें हम लोगों ने दो प्रमुख मांगों को लेकर उनसे बात की। एक तो कुम्हारी में जो टोल नाका है जिसकी अवधि ख़त्म हो गई है उसको, उस टोल नाके को समाप्त करने के लिए NHAI से भी बात करें और यहाँ से भी उसको रोकने का काम करें, इसको लेकर हम लोगों ने बात की। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो आज रायपुर राजधानी में हेलमेट को लेकर जो चलान हो रहे हैं उसको लेकर हम लोगों ने बात कही कि हेलमेट को चलान से दूर रखें, मतलब रायपुर शहर में शहरी क्षेत्र में हेलमेट की अनिवार्यता मत करें, उसको समझाइश दे, उसके लिए जागरूकता हम भी करेंगे, पुलिस भी करें, सब लोग मिलकर जागरूकता करना चाहिए, लेकिन चलान इसलिए मत करें क्योंकि गंतव्य पहुंच मार्ग आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर का होता है। आदमी हेलमेट को कैरी कहाँ करके कहाँ रखेगा, उसको संभाल के कैसे रखेगा, हेलमेट चोरी हो जाएगा, तमाम प्रकार की चीज़ें सामने निकल कर आई है, तो उसका भी हम लोगों ने निवेदन किया है। For more information, log on to www.clips.in.